हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आप लोगों के साथ टर्नओवर की तीन रेशियो के बारे में डिस्कस किया था। वी होप आप लोगों को वहां तक अच्छे से समझ आया होगा। आज हम फर्दर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो के बारे में आपसे डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो, ये सब रेशियो आज आपसे डिस्कस करेंगे। पहले उनके कॉन्सेप्ट, फिर उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए, आज हम जो आपसे रेशियो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। यस गाइस, दैट इज कॉल्ड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है गाइस, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपने पढ़ा है कौन कौन सी रेशियो आती है। वन इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, यस और नो? बिल्कुल भैया। दूसरी आती है ऑपरेटिंग रेशियो, तीसरी आती है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। यस गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद आती है नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो आती है। और उसके बाद लास्ट आती है दैट इज ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट या रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी बोलते हैं। तो एक एक करके हम स्टार्ट करते हैं ताकि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आए। तो सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट, हम जो बात कर रहे हैं आप लोगों से, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। यस गाइस, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ये रेशियो है क्या? ये रेशियो, पहली बात तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो होती क्या है, जो हमें बताती है कि जो हम रिवेन्यू कमा रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में हमारा प्रॉफिट क्या है, कि हम कितना प्रॉफिट कमा पा रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेट बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट कमाना। तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, तो ये रेशियो हमें इसके बारे में बताती है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो के बारे में, जो क्या कहता है। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो है क्या है, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। ये रेशियो जो है वो परसेंटेज में होती है। ठीक है गाइस, देखिए सबसे पहले वी आर टॉकिंग, एक एक चीज के बारे में डिस्कस करते चलते हैं ताकि आपको सारा क्लियर हो। सबसे पहले वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रॉस प्रॉफिट। देखिए, ग्रॉस प्रॉफिट आपको पता है कैसे निकालते हैं, प्लस वन में आपने सीखा था, आप कैसे निकालते थे। देखिए, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, सेल में से आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड को माइनस करते थे। तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसे हम क्या बोलते हैं गाइस, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आप जानते हो क्या होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें पता है, दैट इज क्या, सेल में से हम सेल्स रिटर्न को क्या कर देते हैं, माइनस। ठीक है, ये तो हुआ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या होता है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, या इसे हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड भी बोलते हैं, दैट इज ओपनिंग इन्वेंट्री, बताओ बताओ बताओ, प्लस में परचेजेस। परचेजेस कौन सी, नेट, जिस चीज में डील करते हैं, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। ठीक है गाइस, इससे आपका कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आता है। एक तो ये मेथड हुआ जो प्लस वन के अकॉर्डिंग था, अब प्लस टू के अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। देखिए गाइस, अब मैं प्लस टू के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू की, जो हमारा किसके अंदर, कंपनीज के अंदर। आपको पता है हमारे पास अब क्या आ गई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गई है। तो उसके अंदर कैसे आप निकालोगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू, दैट इज आपको पता है एक्सपेंस में सबसे पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है गाइस, स्टॉक इन ट्रेड, इसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक है, एंड स्टॉक इन ट्रेड। ठीक है, इसके बाद Employees benefit expense में, अगर wages notes में दिए गए हैं तब तो लेंगे, otherwise नहीं लेंगे। इसका मतलब employees benefit expense के बारे में अगर notes में नीचे कुछ नहीं दिया गया, हम मानेंगे कोई भी क्या नहीं है, direct expense नहीं है। Same, इसके बाद आता है क्या, finance, वो भी क्या नहीं होता है, direct expense नहीं होता है। उसके बाद depreciation and amortization, वो भी direct नहीं होता है। और last आता है other expense, अदर एक्सपेंस में कुछ हमारे डायरेक्ट होते हैं, जैसे carriage inward हो गया, fuel, gas and power हो गया, फैक्ट्री रेंट हो गया, फैक्ट्री लाइटिंग जिसे हम पावर भी बोलते हैं, वो सब हो गया। फिर वही बात, अगर उसके बारे में नोट्स में नीचे दिया गया कि फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री लाइटिंग, फ्यूल गैस एंड पावर दिया गया नोट्स में, तब तो हम यहाँ पर दिखा देंगे। अगर कुछ नहीं बोला गया तो हम मानेंगे डायरेक्ट नहीं है। तो मैं यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ डायरेक्ट एक्सपेंस, अगर स्पेसिफिकली गिवन है, ऑलराइट। तो अगर नहीं दिया तो हम मानेंगे कुछ भी नहीं है। तो ये हमने क्या निकाला, देखिएगा
ये हमने क्या निकाला, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू। मैंने दोनों मेथड से आपको बताया और उससे हमारा हमारा क्या आया, दैट इज अभी मैंने बताया ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकाला, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन माइनस कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ये आपका निकाला। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बता दिया और कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बता दिया, तो यहां से आपकी रेशो निकल जाएगी, दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो कैसे निकालोगे, दैट वुड बी ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई में 100। मान लीजिए आपके ग्रॉस प्रॉफिट है 4 लाख के, ठीक है गाइस, और आपका रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख मल्टीप्लाई में 100, दैट वुड बी कितना हो गया, 40%। तो इसके बारे में क्या बोला जाता है कि ये कितना होना चाहिए, ये इतना होना चाहिए ताकि उसके बाद आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं, ताकि आप उनको कवर कर सको, आप टैक्स पे कर सको, एज वेल एज आप डिविडेंड दे सको और आपके पास कुछ पैसा रिजर्व के तौर पर बच भी जाए, उतने आपके क्या होने चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट्स होने चाहिए। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसका मतलब जितना ये ज्यादा होंगे उतना ही बिजनेस के लिए क्या माना जाता है, अच्छा माना जाता है। तो देखिए इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है, दैट इज कौन सा, ऑपरेटिंग रेशियो। यस गाइस, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो के बारे में डिस्कस करें, बहुत ध्यान से समझना। ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है। देखिए ऑपरेटिंग रेशियो की बात करें तो ये क्या होता है, दैट इज ध्यान से समझना, ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आपको आता है 100 मल्टीप्लाई कर लूंगे और परसेंटेज, अगेन ये भी परसेंटेज में होता है, मेन बात आती है ऑपरेटिंग कॉस्ट। बहुत ध्यान से ऑपरेटिंग कॉस्ट होती क्या है, देखिए ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जो अभी हमने सीखी है ऊपर, प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ये, ठीक है, देखो सॉरी यहां पर कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं ऊपर, ठीक है, ये तो आपको समझ आ गया होगा। अब बात कर रहे हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ध्यान से समझना ऑपरेटिंग एक्सपेंस होते क्या है, और इसको इन दोनों को मिलाकर आता है ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, बहुत ध्यान से समझना है। आपको पता है प्रॉफिट एंड लॉस में प्लस वन की बात करें, ट्रेडिंग में हमेशा डायरेक्ट एक्सपेंस आते थे, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आते थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस की बात करूं, बहुत इजी वे में बता रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो, उसमें जो एक्सपेंस आते थे वो इनडायरेक्ट, ठीक है, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और इनकम आती थी। अभी हम इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस आते थे। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंस में भी दो टाइप के एक्सपेंस होते हैं, वन इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस, वन इज नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है गाइस। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस क्या होते हैं, है तो वो इनडायरेक्ट लेकिन बिजनेस से रिलेट करते हैं, लाइक डेप्रिसिएशन हो गया, बिजनेस से रिलेट करता है, एसेट के ऊपर हमारा बैड डेट हो रहे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बिजनेस से रिलेट करता है, सैलरी दे रहे हैं किसको, एम्प्लॉयज को, ऑफिस का रेंट है, ऑफिस का इलेक्ट्रिसिटी है, मतलब ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड जितने भी खर्चे हो रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट वगैरह कर रहे हैं, फ्री सैंपल्स बांट रहे हैं, ये सब बिजनेस से रिलेटेड है, दैट इज ऑपरेटिंग एक्सपेंस। तो इनडायरेक्ट एक वाइडर टर्म है, इसके अंदर ऑपरेटिंग भी आते हैं और नॉन ऑपरेटिंग भी आते हैं। आप कहोगे भैया ऑपरेटिंग कौन से है, नॉन ऑपरेटिंग एक बार बता दो, मैं आपको केवल नॉन ऑपरेटिंग बता रहा हूँ, बाकी सब ऑपरेटिंग होते हैं, मैं नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस बता रहा हूँ। देखिएगा नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन से होते हैं, नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस हुए जैसे कि जो बिजनेस से रिलेट नहीं करते या जो बार यूजली नहीं होते, बार बार नहीं होते, जैसे लॉस बाय फायर, लॉस बाय फायर बार बार नहीं होता है, थेफ्ट एक्सीडेंट ये बार बार नहीं होता, ठीक है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट या इन्वेस्टमेंट, ठीक है, बार बार नहीं होते। इसके बाद आप चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन दे रहे हो, गाइस इससे बिजनेस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऑलराइट गाइस, चैरिटी दे रहे हो, डोनेशन। एक सबसे इंपॉर्टेंट जो यहां पर आता है, दैट इज इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग। यस गाइस, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म बोरिंग्स है ये नॉन ऑपरेटिंग है, क्योंकि ये एसेट को फाइनेंस करने के लिए लिया गया है, फिक्स एसेट को, और फिक्स एसेट से रिलेटेड डेप्रिसिएशन हम ऑपरेटिंग ले चुके हैं, लेकिन इससे इंटरेस्ट वो नॉन ऑपरेटिंग होता है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन शॉर्ट टर्म बोरिंग जो होता है वो हमारा क्या होता है, ऑपरेटिंग होता है। तो ये सब देखो गाइस, ये सारे के सारे 1 2 3 4 ये सब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस, बाकी सब क्या है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ऑलराइट गाइस।
तो ये सारे हमारे क्या हो जाएंगे, ऑपरेटिंग एक्सपेंस। आई होप ये बात आपको समझ आई होगी। इसके बाद देखो गाइस, तो हमने क्या कहा, हम क्या निकाल रहे हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट। ऑपरेटिंग कॉस्ट कैसे निकाली, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस में ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है, अभी बताया, डिवाइड बाय, ये तो हुआ ऑपरेटिंग कॉस्ट, सॉरी, अब हम निकाल रहे हैं ऑपरेटिंग रेशियो, ठीक है, दैट इज ऑपरेटिंग कॉस्ट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100। तो ये रेशियो हमें क्या बता रही है, हम यहाँ पर खर्चे ले रहे हैं बिजनेस से रिलेटेड खर्चे, मान लीजिए बिजनेस से रिलेटेड खर्चे हुए हमारे 6 लाख और हमारा रिवेन्यू जो हो रहा है वो हमारा हो रहा है कितना हो रहा है गाइस, दैट वुड बी लेट्स सपोज 20 लाख, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, मान लीजिए मैंने इसको 5 लाख ले लिया इजी करने के लिए, ठीक है, तो यहां पर अल्टीमेटली क्या होगा, ये क्या रिप्रेजेंट करेगा कि हमारे जो खर्चे हैं वो 25% जो है वो ऑपरेटिंग खर्चे हैं। ये हमारे कौन से खर्चे हैं गाइस, ऑपरेटिंग खर्चे 25% है, जितना ये कम होगा उतना बेनिफिट होगा, क्योंकि उतनी कॉस्ट हमारी कम होगी उतने खर्चे हमारे कम होंगे। अब इसी से रिलेटेड नेक्स्ट आता है हमारा, दैट इज ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ध्यान से समझना गाइस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो ये क्या कहता है, देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय में 100, ठीक है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आएगा, ध्यान से समझना गाइस, हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बारे में बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे आता है, जब हम ग्रॉस प्रॉफिट में से हम क्या माइनस करते हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस अभी ऊपर बात की है, ठीक है, और ऑपरेटिंग इनकम्स को ऐड करते हैं, तब जाकर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, ठीक है। अब मैंने ऑपरेटिंग एक्सपेंस के बारे में बता दिया, ग्रॉस प्रॉफिट आपको आता है, अब बात आई ऑपरेटिंग इनकम के बारे में, ऑपरेटिंग इनकम क्या होती है, ध्यान से समझना। अब अगेन इनडायरेक्ट इनकम जो वही प्रॉफिट एंड लॉस में आती है, इसमें दो टाइप की इनकम होती है, एक तो ऑपरेटिंग इनकम होती है और एक नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। अगर आपको नॉन ऑपरेटिंग इनकम के बारे में पता चल जाए कि नॉन ऑपरेटिंग इनकम होती क्या है, तो बाकी सब भी ऑपरेटिंग होती है। देखिए नॉन ऑपरेटिंग जो बिजनेस से रिलेटेड इनकम नहीं है, जिससे बिजनेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता, लाइक आपको रेंट मिल रहा है, रेंट रिसीव्ड, उससे कोई बिजनेस के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। आपने किसी अदर कंपनी में पैसा लगाया, उससे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है, डिविडेंड मिल रहा है, उससे आपके बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसके बाद आपको क्या मिल रहा है गाइस, आप गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये बार बार नहीं होता है, गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ठीक है गाइस, या इन्वेस्टमेंट, ये सब दैट इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स। तो इनको हम क्या करेंगे, इनको हम नहीं लेंगे, केवल किसको लेंगे, ऑपरेटिंग, बाकी सब ऑपरेटिंग होती है, लाइक आपको डिस्काउंट मिल रहा है, आपको ये सब जो बिजनेस से रिलेटेड आपको इनकम हो रही है, तो वो हमारी ऑपरेटिंग कहलाती है, ये सब नॉन ऑपरेटिंग कहलाती है, तो आपको इनको नहीं लेना है, ठीक है, आपको केवल किसको लेना है, ऑपरेटिंग इनकम। तो यहां पर हम क्या करेंगे, देखो ग्रॉस प्रॉफिट में ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करेंगे और ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करेंगे, तब जाकर हमारे क्या आएंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट आएंगे। तो यहां पर हमारे ऑपरेटिंग प्रॉफिट आ जाएंगे, मान लीजिए लेट्स सपोज हमारे पास ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो निकालने के लिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट है हमारे 10 लाख, ठीक है, और हमारी जो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है वो है 20 लाख, ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई बाय 100, दैट वुड बी कितना हो जाएगा, 50%। तो ये जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, क्योंकि इसके बाद हमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी देने हैं, हमें क्या देना है, टैक्स भी देना है, डिविडेंड भी देने हैं, जितना ये ज्यादा होगा उतना फर्म के लिए, कंपनी के लिए अच्छा माना जाता है। अब ध्यान से एक लास्ट बात बता रहा हूं, जो ऑपरेटिंग रेशियो और ऑपरेटिंग रेशियो प्रॉफिट रेशियो में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है, वो क्या है, ऑपरेटिंग रेशियो प्लस ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो हमेशा प्रॉफिट रेशो हमेशा 100 के इक्वल होती है। मान लीजिए ऑपरेटिंग रेशो आपकी 20% है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी आएगी, 80%। बोलो गाइस आया या नहीं आया, बिल्कुल भैया आ गया, वेरी गुड, तो ये हमारी 80% होगी। तो ये बात आपको समझ आनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड एक बहुत अच्छा हमने क्वेश्चन आप लोगों के लिए ड्राफ्ट किया है, जल्दी से देखिए गाइस। देखिए रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,40,000, ठीक है गाइस, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू है 70,000, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है 28,000 और ऑपरेटिंग इनकम है 14,000। कैलकुलेट करना है ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो दैट इज ग्रॉस प्रॉफिट,
ग्रॉस प्रॉफिट यहाँ पर देखो रिवेन्यू में से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू को माइनस करेंगे तो यहाँ पर ग्रॉस प्रॉफिट आ गया आपका कितना 70,000। ठीक है गाइस, 70,000 डिवाइड बाय रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय में 100। ठीक है गाइस, तो अल्टीमेटली ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 50%। ठीक है गाइस, 50% आ गया, दैट इज योर ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। उसके बाद ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो आपको पता है क्या होता है, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। देखो कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू है 70 प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंस दिए हुए 28 डिवाइड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय में 100, दैट वुड बी कितना आ जाएगा, 70 और 28 दैट वुड बी 98 डिवाइड बाय 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय में 100, तो ये कितना आ जाएगा, दैट वुड बी 70%। आई होप ये बात भी आपको समझ आई होगी। इसके बाद नेक्स्ट आता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। ये क्या होती है, आप क्या करते हो, ग्रॉस प्रॉफिट में से, ग्रॉस प्रॉफिट थे आपके 70, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट आपके 70, उसके बाद आप क्या करते हो, ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस करते हो, ऑपरेटिंग इनकम को ऐड करते हो, ऐड किया ऑपरेटिंग इनकम माइनस किया 28,000, ये कितना आ गया, 70, 84, 84 माइनस 28, 60, 50 आएगा, 70, 84 माइनस 28 या देगा 56, यस 56,000। तो देखिए दैट वुड बी 56,000 डिवाइड बाय कितना आ जाएगा, 1,40,000 मल्टीप्लाई बाय में 100, दैट वुड बी 40%। आई होप ये तीनों रेशो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुई होगी, अच्छे से समझ आई होगी। बाकी रेशो के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।